नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। लहरी थाना इलाके के मथुरिया मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब अचानक रिहायशी इलाके के एक रूई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। मोहल्ले वासियों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशामक दस्ता को दी। सूचना मिलते ही मौके पर दो दमकल की गाड़ियाँ पहुँची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। करीब एक घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में करीब 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे ही आग लगी, आसपास के घरों के लोग अपने अपने घर छोड़कर बाहर आ गए। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। गनीमत यह रही कि घनी आबादी वाले इस रिहायशी इलाके के आसपास के मकानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही DSP इमरान परवेज, लहरी थाना अध्यक्ष विजेंद्र यादव और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों को भीड़ को हटाया। DSP ने बताया कि यह सुबोध कुमार के रुई का गोदाम है जिसमें आग लगी है। फिलहाल आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सावित्री पैलेस के पीछे एक सुबोध जी का ये है गोडाउन है, रुई का गोडाउन है। ये फिलहाल पता नहीं चल रहा किस कारण आग लगी है, लेकिन रुई का गठरी है, इसमें आग लग गई है। अगल बगल जो है रिहायशी इलाका है, दमकल समय पे पहुंची है, थाना भी पहुंचे हैं और आग बुझाने का पूरा प्रयास चल रहा है। अभी तक आग को काबू कर लिया गया और धीरे धीरे इसको पूरा ख़त्म कर दिया गया। नुकसान अब CO साहब आएंगे, वो अपना आकलन करेंगे, अपना आकलन करके आप